गर्मी का मौसम आ चुका है। इस भयंकर गर्मी के मौसम में आप सभी तरबूज का खूब सेवन करते होंगे, लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको तरबूज की चटनी बनाना सिखाऊंगी जो आप सभी को बेहद पसंद आएगी और इसे हर उम्र के लोग चटखारे लेकर खूब खाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, मैं डायटिशियन चारुल श्रीवास्तव हमेशा की ही तरह आज के इस वीडियो में आपके लिए एक बहुत ही उपयोगी जानकारी लेकर हाजिर हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे बने बेल आइकॉन को जरूर से दबा दें, जिससे मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तरबूज एक बहुत ही स्वादिष्ट फल के रूप में जाना जाता है। गर्मियों में तरबूज जहां ये हमें ठंडक पहुंचाता है, वहीं साथ ही साथ अत्यंत पौष्टिक होने के साथ ये हमें कई बीमारियों से लड़ने की ताकत भी देता है और कई बीमारियों से हमें बचाता भी है। तरबूज बहुत सारे पोषक तत्वों से हमें बूस्ट करता है। इसमें विटामिन ए, विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट्स जैसे लाइकोपीन और सिट्रुलिन और कुकुरबिटेसिन ई पाए जाते हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट्स आपकी त्वचा और बालों को हेल्दी रखते हैं, साथ ही साथ आपकी मांसपेशियों की शिथिलता को दूर रखते हैं। आपके शरीर में हुए इन्फ्लेमेशन को ये एंटीऑक्सीडेंट्स दूर रखते हैं, जो कि कई बीमारियों का कारण होते हैं। लाइकोपीन और सिट्रुलिन आपकी हृदय की सेहत को चुस्त रखते हैं, साथ ही साथ ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल का लेवल भी शरीर में नॉर्मल रखते हैं। तरबूज आपको ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाता है, जिससे आपकी त्वचा खिली खिली रहती है। फ्रेंड्स, अभी तक आपने तरबूज का जूस, तरबूज का शेक, तरबूज की आइसक्रीम, तरबूज की चाट या तरबूज को ऐसे ही काट कर खाया होगा। फ्रेंड्स, लेकिन क्या आपने कभी तरबूज की चटनी खाई है? शायद नहीं। तो आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को तरबूज की चटनी बनाने की विधि बताने जा रही हूँ, जिसे आप तरबूज के मौसम रहते हो तो खा ही सकते हैं, लेकिन तरबूज का मौसम न होने पर भी प्रिजर्व करके रखकर हमेशा खा सकते हैं। तो चलिए इस चटनी को बनाने की सामग्री और विधि मैं आपसे शेयर करती हूँ। इसके लिए आपको चाहिए कटा हुआ तरबूज 2 मीडियम बाउल, पुदीना 10-12 पत्तियां, अदरक 1 इंच का टुकड़ा, नींबू 2, अंगूर का रस 1 कप, काला नमक 1/2 चम्मच, भुना जीरा 1/2 चम्मच, पिसी लाल मिर्च 1/4 टेबल स्पून, कड़वा तेल 1/2 चम्मच, राई 1/4 चम्मच। अब हम लोग तरबूज की चटनी बनाना शुरू करते हैं। कटे हुए तरबूज के टुकड़ों से बीज को निकाल दें। अब मिक्सी में इन कटे हुए तरबूज के टुकड़ों के साथ पुदीने की धुली हुई पत्तियां, अदरक का टुकड़ा, अंगूर का रस, 2 नींबू का रस, काला नमक और भुना हुआ जीरा मिलाकर एक साथ इन सामग्रियों को अच्छे से पीस लीजिए। अब इस पिसे मिश्रण को अलग रख दीजिए और एक कढ़ाई को गैस पर चढ़ा दीजिए। कढ़ाई में 1/2 चम्मच तेल को गर्म करने के लिए रख दीजिए और उसमें राई का तड़का लगा दीजिए। फिर इसमें पिसी लाल मिर्ची डाल दीजिए। लाल मिर्च को आप अपने स्वाद के हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं। अब इस तेल में तरबूज वाला मिश्रण डाल दीजिए और इसे 5 मिनट तक पका लीजिए। 5 मिनट के बाद गैस बंद कर दीजिए और इसे ठंडा होने के बाद किसी हवा बंद डिब्बे में भर कर फ्रिज में रख दीजिए और जब मन करे इसे पराठे, पूरी, रोटी, सैंडविच, बर्गर किसी के साथ भी सर्व करें। बाजार से मिलने वाले सॉस की जगह आप घर में बनी इस नेचुरल और फायदेमंद चटनी को बच्चे, बड़े, बुजुर्गों सभी को खाने के लिए दीजिए। आपको इस चटनी के स्वाद के साथ पोषक तत्व भी खूब मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय फ्रेंड्स।